मशहूर फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। करीना कपूर ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक किताब लिखी थी जिसे का शीर्षक दिया था प्रेगनेंसी बाइबल। उनकी इस किताब के शीर्षक का सर्व ईसाई महासभा ने जमकर विरोध किया था। अब इसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया और करीना कपूर अमेजोन सहित संबंधित सभी लोगों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की गई है। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर खान जो बॉलीवुड की अदाकारा हैं, उन्होंने एक किताब प्रकाशित की जिसका शीर्षक उन्होंने रखा था करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल। देखिए, करीना कपूर खान सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस जो हैं और जो फिल्म और जो मूवीज़ हैं वो समाज का एक आईना माना जाता है। उन्होंने इस तरीके से जो विवादित किताब निकाली है उससे समाज बहुत आहत है। इसके पहले भी उन्होंने एक ऐसा ही कृत्य कर चुकी हैं। ब्रदर्स मूवी में उन्होंने एक आइटम सॉन्ग किया था जिसका टाइटल था मेरा नाम मैरी है, मैरी 100% तेरी है। और जो आइटम सॉन्ग है उनमें उसमें उन्होंने भद्दे कपड़े पहन के जो डांस किया था, और इस शब्द में जो मैरी शब्द है, इस टाइटल में जो मैरी शब्द है, मैरी एक हमारे समाज के लिए एक परम पूजनीय जो माता है प्रभु यीशु मसीह की, और हमारे जो देवी हैं उनके जो उनके समान हैं, उस शब्द का उन्होंने मजाक बनाया था। लेकिन जो ईसाई समाज, जो शांति प्रिय समाज है, उन्होंने इस कृत्य को उस टाइम माफ़ कर दिया था। उसके बाद भी ये जानते हुए कि बाइबल जो एक धर्म ग्रंथ है उसको अपनी प्रेगनेंसी को साझा करने के लिए जोड़ना, ये एक आपराधिक कृत्य हो सकता है। और इसके ऊपर उनके ऊपर जो ईसाई समाज की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए उनके ऊपर आपराधिक मामलाएं दर्ज करने की आवश्यकता है। हम शासन प्रशासन से अभी भी मांग करते हैं कि इस बुक को बैन किया जाए और इस जो अदाकार हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस विषय को संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस प्रेषित कर अभिनेत्री से जवाब तलब किया है। नोटिस माननीय उच्च न्यायालय से जारी हुआ है जिसमें उन्होंने जवाब मांगा है कि जो करीना कपूर खान अमेजॉन इंडिया, जगन नोटबुक्स एवं शासन से वो अपना जवाब प्रस्तुत करें।